friends, how are you? I hope you all are well at home and doing regular study. Students, I'm Reena Saini, your maths teacher, going to continue with the exercise 3.3, sum number 3. Sum number 3 is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? क्वाड्रिलेटर जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम हो सकता है अगर उसकी ये कंडीशंस हैं. लुक, ये हमने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम. ये हमने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, राइट. अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि एंगल डी और बी, एंगल डी एंड बी 180 हो सकते हैं अगर इसके पैरेललोग्राम की कंडीशन है. कैन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो सकता है अगर डी और बी का सम 180 है. डी और बी ये ऑपोजिट है ना, इनका सम 180 कहते हो सकता है? नो, बिकॉज डी एंड बी आर नॉट ऑपोजिट एंगल्स, आर नॉट ऑपोजिट एंगल्स. इनका सम जो है 180 नहीं हो सकता बिकॉज ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं. सॉरी नॉट नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं. ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 नहीं होता, राइट. सेकंड उन्होंने पूछा है कि ए बी डी सी एट, ए बी और डी सी, ए बी और डी सी एट हो, एट हैं, ए बी एट है और डी सी एट है और ए डी 4 सेंटीमीटर है तो बी सी 4.4 है, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि सम में ये पूछा है कि ये पैरेललोग्राम पॉसिबल है, इससे भी पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए ना. बट यहाँ पे ये वाली तो इक्वल हैं दोनों, ए डी 4 है और बी सी कितनी है 4.4, ठीक है. नो, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल. नेक्स्ट पूछा है कि एंगल ए 70 है तो एंगल सी 65 है. एंगल ए 70 है, एंगल सी कितना है 65, तो पैरेललोग्राम पॉसिबल है? नो, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए. नो, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल, राइट. फोर्थ क्वेश्चन इज, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स. कहते कोई ऐसा क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करो, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करो जो पैरेललोग्राम ना हो लेकिन उसके दो ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है. तो हम इस तरह से ये वाली फिगर ड्रॉ करेंगे. ये क्वाड्रिलेटर है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, बट इसके ये जो टू ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल हैं, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, राइट. सम नंबर 5 इज, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2. दो एंगल्स हैं, उनके जो एडजेसेंट एंगल हैं उनकी रेशियो है 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स. तो हमें पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं. हमें रेशियो दी है ना 3:2, एडजेसेंट एंगल की रेशियो गिवन है. तो हम एक रफली हमने ए बी सी डी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी. इसको हमने सर्कल में ही लेना है, साइकिल में. ए अगर ए यहाँ पे है, बी सी डी ऐसे, अगर ए यहाँ से स्टार्ट किया है तो बी सी डी, ए अगर यहाँ से स्टार्ट किया है बी सी डी. मीन हमें इसके कंटिन्यू सीरीज़ रखनी होती है, ठीक है. तो एंगल ए हम सपोज कर लेते हैं 3x है, बी सपोज कर लो 2x है. उन्होंने कहा ना दोनों एंगल एडजेसेंट है, तो अगर एडजेसेंट है तो दोनों का सम कितना होएगा, 180 डिग्री. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. एंगल ए 3x है, बी कितना है 2x, इक्वल टू 180 डिग्री. 3 + 2 कितना हो गया 5x, इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180/5, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री. अब हमें सारे एंगल्स फाइंड करने हैं इसके. लुक स्टूडेंट्स, एंगल जो c है, अब एंगल a हमें गिवन, एंगल a हमारे पास है ना 3x, एंगल a के ऑपोजिट कौन सा c, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना. एंगल c इक्वल टू एंगल a इक्वल टू 3x, जितना एंगल a उतना ही c होएगा 3x. तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 36, x की वैल्यू आ गई 36, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 108. एंगल सी भी 108 हो गया, एंगल ए भी 108 हो गया. अब हमारे पास बी एंगल है ना, अब हम कहेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी. कितना है हमारे पास 2x, x की वैल्यू हमने पुट कर दी 36 डिग्री. 36 × 2, ये आ गया 72 डिग्री. इट मीन्स हमारे पास एंगल डी भी 72 आ गया, एंगल बी भी 72 आ गया. ये हमारे पास क्या रीज़न होएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम.
सम नंबर सिक्स इज, फिफ्थ में था ना दोनों एडजेसेंट एंगल की रेशियो है 3:2। अब इसमें है दोनों एडजेसेंट एंगल आपस में इक्वल है, बाकी सारा सम सेम है जैसे फिफ्थ है, ठीक है। इसमें दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल बताए हैं, इट मीन्स अगर एक एक्स होएगा तो दूसरा भी कितना होएगा, एक्स होएगा, ठीक है। लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम है ना, तो एंगल ए, एंगल ए प्लस बी एडजेसेंट एंगल, हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि एडजेसेंट एंगल इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एडजेसेंट एंगल, एंगल ए और बी, इनको हमने एक्स लिया है, दोनों को क्या करेंगे प्लस। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, एक्स प्लस एक्स कितना आ गया, 2x। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब अगर हमारे पास एंगल ए एक्स है तो सी भी कितना होएगा, एक्स। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एक्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ए 90 आया तो सी भी कितना होएगा, 90। और हमारे पास एंगल बी कितना है, एक्स है ना, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एक्स, ये भी कितने हो गए दोनों, 90 डिग्री। ये हो गए ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमारे पास चारों एंगल आ गए ना, सी भी आ गया 90, ए भी आ गया 90, डी भी आ गया 90, बी इज़ ऑल्सो 90।